Hello everyone, welcome to our channel Education Hotspot. So this is a video that I am starting. This is a new series जो हम start कर रहे हैं for IGNOU MA Sociology student. First year, second year की अलग अलग playlist रहेगी. With each and every video, we'll try to write down the answer, we'll try to cover up the topic, we'll try to understand the topic. हम लोग कोशिश करेंगे किसी एक पर्टिकुलर टॉपिक, किसी एक पर्टिकुलर क्वेश्चन जो कि पिछले सालों में क्वेश्चन PYQs हैं, पूछे जा चुके हैं, उन पे किस तरीके से आप आंसर फ्रेम कर सकते हो, क्या क्वेश्चन आता है, कैसे आंसर की स्टार्टिंग की जा सकती है. वैसे तो बहुत सारी वीडियो ऑलरेडी बना रखी है जो प्लेलिस्ट में ऐड है, दैट यू कैन वॉच एंड डाउनलोड द नोट्स फ्रॉम द टेलीग्राम. एंड रेस्ट पेड कोर्सेस की जो है दिसंबर के लिए, वो भी बहुत जल्दी मैं दोबारा से उसमें चीजें एड ऑन कर दूंगी. जून के लिए वो कोर्स था, उसी में मैं कुछ एड ऑन करके दिसंबर में आई लॉन्च दैट अगेन. तो यहां पे हम देखेंगे एमएसओ 4 जो फर्स्ट ईयर का सब्जेक्ट है, दैट इज सोशियोलॉजी इन इंडिया. इसमें वी हैव द टॉपिक बुक व्यू वर्सेस फील्ड व्यू, राइट. ये एक आपको देखने को मिलेगा जब विलेज स्टडी इन इंडिया वाला जो चैप्टर है, जब उसकी बात की जाती है कि किस तरीके से स्टडी की जाती है, तो वहां पे स्टडी की अप्रोचेस में वी हैव दीज टॉपिक बुक व्यू एंड फील्ड व्यू. अब क्वेश्चन कैन डायरेक्टली कम कि ये होते क्या है, इनके बीच में डिफ्रेंशिएट क्या है, या फिर थिंकर्स का नाम भी यूज किया जा सकता है. इन केस सोशियोलॉजिस्ट का नाम, आई विल से रेदर सोशियोलॉजिस्ट का नाम, समाजशास्त्रियों का नाम नहीं मेंशन है, तो आपको खुद से मेंशन करना जरूरी हो जाएगा. कौन कौन से सोशियोलॉजिस्ट का आप लोग नेम मेंशन करेंगे? सो द वन नेम दैट वी आर गोइंग टू मेंशन इज जीएस घुरे, एंड द अनदर नेम दैट वी आर गोइंग टू मेंशन इज एमएन श्रीनिवास. ये दो इंपॉर्टेंट सोशियोलॉजिस्ट हैं जिनका नेम हम लोग मेंशन करके चलेंगे. अब यहां पे देखते हैं बुक व्यू. पहले मीनिंग देख लेते हैं, व्हाट एग्जैक्टली इज बुक व्यू. एंड अगर ये सीरीज आपको बेनिफिशियल लगेगी तो आप लोग मुझे मेंशन करके जरूर बताएंगे, वीडियो को बहुत ज्यादा सपोर्ट देंगे बाय लाइकिंग द वीडियो, बाय कमेंटिंग ऑन द वीडियो. आप लोगों के कमेंट के बेस पे ही मैं सीरीज को टिल दिसंबर कंटिन्यूटी में रखूंगी. एंड देखिए अभी इट्स अगस्त है, अभी हमारे पास अगस्त है, सितंबर है, अक्टूबर है एंड नवंबर है. वी हैव 4 मंथ. अगर हम वीक में एक एक सब्जेक्ट का एक आंसर भी लिख पाते हैं, लाइक डेली बेसिस पे एक आंसर भी हम लोग कवर करते हैं, तो वी हैव एम्पल अमाउंट ऑफ आंसर हमारे पास हो जाएंगे डिस्कशन के थ्रू. बाकी प्लेलिस्ट में तो ऑलरेडी काफी वीडियोज अवेलेबल है, ठीक है. तो या आई वेट फॉर योर रिस्पॉन्स एंड उसके बेसिस पे मैं ये चीजें स्टार्ट करूंगी. तो बुक व्यू होता क्या है पहले समझ लीजिए. आई थिंक मैंने ये मल्टीपल वीडियो में आपको बताया भी होगा, जैसा कि यहाँ पे मेंशन है बुक, मतलब बुक के थ्रू चीजों को कवर करना. जब भी आप टेक्स्ट को पढ़ के चीजों को, यानी अपनी सोशियोलॉजी की जो भी आप स्टडी कर रहे हो, जब आप किताबों को पढ़ के, किताबों में क्या क्या आ जाता है, जैसे कि एंशियंट टेक्स्ट है, आपके जितने भी पुराने स्कल्पचर्स है, लिटरेचर है, इन सबको पढ़ के आप अपनी स्टडी कर रहे हो, देन इट इज कैटेगराइज एज बुक व्यू. क्लियर. बुक व्यू में आप क्या पढ़ रहे हो, पुरानी जो हिंदू स्क्रिप्चर्स हैं, हिस्टोरिकल रिकॉर्ड है, उनके बेसिस पे आप अपनी स्टडी कर रहे हो. और जो पर्सन बुक्स के थ्रू स्टडी करते हैं, एंशियंट टेक्स्ट को पढ़ रहे हैं, मींस जो बुक व्यू फॉलो कर रहे हैं, वो लोग कहलाते हैं इंडोलॉजिस्ट. उनको हम क्या बोलते हैं, इंडोलॉजिस्ट बोलते हैं. वो पर्सन क्या कहलाते हैं, इंडोलॉजिस्ट कहलाते हैं. जो बुक व्यू के थ्रू स्टडी करते हैं, अगर हम देखें तो उनका जो कंसेप्ट होता है, एक आर्म चेयर मेथड है, लाइक यू विल सिट ऑन द चेयर, यू विल रीड द बुक एंड यू विल पॉइंट इट डाउन योर ऑब्जर्वेशन. आप एक जगह पे बैठे हैं, आप किताब पढ़ रहे हैं, उससे जो भी आप ऑब्जर्व कर रहे हैं आप उसको लिस्ट कर रहे हैं, राइट. आर्म चेयर मेथड है, एक आपको इधर उधर जाने की जरूरत नहीं है, बाय सिटिंग एट अ सिंगल प्लेस, बाय सिटिंग एट योर होम, आप चीजों को ऑब्जर्व कर पा रहे हैं. इंडिया में अगर बुक व्यू की बात अगर हम देखें यहां पे, तो यहां पे जो पर्सन का नाम आता है वो आता है जीएस घुरे का. आई एम नॉट सेइंग ही इज द ओनली वन, देयर आर अदर पर्सन आल्सो, बट हम एक सोशियोलॉजिस्ट को लेके चलेंगे तो किसका नाम हम लोग लिखेंगे, जीएस घुरे का नाम हम लोग लिखेंगे. जीएस घुरे की अगर मैं बात करूं तो आपको पता होगा इन्हें फादर ऑफ इंडियन सोशियोलॉजी भी बोला जाता है, क्योंकि इंडिया में सोशियोलॉजी को जो ऑफिशियल तौर पे जो एक तरीके से देखा जाए आगे लेके गए वो यही गए. 1919 में जो बॉम्बे यूनिवर्सिटी थी उसको हेड भी करा, जिसे इनसे पहले कौन हेड कर रहे थे, पैट्रिक गेट्स हेड कर रहे थे. तो उसके बाद 1919 में घुरे ने उसे हेड करा. घुरे के बाद, पहले घुरे तक ही जानो, घुरे ने हेड करा, घुरे के बाद एम एन श्रीनिवास ने उसको हेड करा था. तो ये बुक व्यू मेथड है. अब बुक व्यू क्या होता है, आप खुद सोचो, घर बैठ के जब आप बुक पढ़ रहे हो तो उतना पर्सनल कनेक्शन नहीं बन पाएगा जो भी टॉपिक पे आप बात कर रहे हो, राइट. नो पर्सनल कनेक्शन, पर्सनल कनेक्शन नहीं बनेगा, प्लस आप इन्फ्लुएंस होगे
influence with the idea of the other person. Influence with the idea of the other person. जिस person की भी आप book पढ़ रहे हो. अच्छा जैसे for example in our society there are many people. कुछ लोग ऐसे हैं जो Marxist हैं, कुछ लोग ऐसे हैं जो Gandhian ideology को follow करते हैं, कुछ communist हैं, कुछ socialist हैं, तो कुछ capitalist people हैं. तो ये वो लोग हैं जो उस ideology को मान रहे हैं और उस ideology के मानने वाले लोगों को follow करते हैं. आप देखते हो there are few people जो गांधी के core supporter and there are few people who are against him. I'm just taking मतलब example. तो जिसने जिस तरीके से उनको observe किया, जिसने जिस तरीके से उनको study किया, जिसने जो ideology adopt की, उस basis पे उसकी theory formulate हो जाती है. क्लियर? तो यहाँ पे जिसकी भी आप बुक पढ़ रहे हो, टेक्स्ट पढ़ रहे हो, आप उस अकॉर्डिंग जो चीजें लिखी गई थी आप उसके बेसिस पे ही चीजों को समझ पाते हो. आप जो न्यू, इसके साथ साथ आपको क्या करना पड़ेगा, आप पुरानी स्टैटिक चीजें तो पढ़ ही रहे हो, लेकिन आप जो इवॉल्व हुई है चीजें आपको उस पे भी अलग से फोकस करना पड़ेगा. ठीक है, स्पेसिफिक फोकस करना पड़ेगा जो कि नहीं हो पाता है बुक व्यू में उतना डिटेल में बाय स्टडिंग एट अ प्लेस और आप उतना बुक जो है बुक से पढ़ के देखो. क्लियर? तो बुक व्यू क्या हो गया, बुक व्यू में आप हिस्टोरिकल रिकॉर्ड, एंशियंट टेक्स्ट, लिटरेचर वगैरह पढ़ रहे हो एंड पीपल हु डिड दिस, जो ये काम करते हैं उनको इंडोलॉजिस्ट कहते हैं. इंडोलॉजिस्ट इंडिया में जो शुरुआत हुई वो हुई बाय जीएस घुरे. He is considered as a father of Indian sociology. He headed the department of sociology in the Bombay University from 1919 after Patrick Gates and इनके बाद एम एन श्रीनिवास ने हेड किया था. तो बुक व्यू के थोड़े से प्रॉब्लम भी हैं, जो ऑब्वियस बात है फील्ड व्यू के क्या होंगे, एडवांटेजेस हो जाएंगे. क्लियर? यहां पे जीएस घुरे ने तो अपने, ऐसा नहीं है देखो जीएस घुरे फील्ड व्यू की बात ही नहीं करते थे, फील्ड वर्क को बिल्कुल क्रिटिसाइज करते थे. उन्होंने अभी फील्ड वर्क की इंपॉर्टेंस बताई है. ठीक है, एंड एम एन श्रीनिवास ने जो है वो घुरे से ही चीजें सीखी हैं. क्लियर? तो जीएस घुरे के बारे में आपको पता ही होगा, देखो कास्ट को लेके उन्होंने थ्योरी दी है अपनी, कास्ट की स्टडी को लेके उन्होंने पुराने आपके टेक्स्ट ही पढ़े थे, जैसे वैदिक कल्चर से कास्ट शुरू हो जाता है, वेदास के टाइम से कास्ट एग्जिस्ट करना है, कर रहा है, वर्ना सिस्टम वाज देयर, फोर फोल्ड क्लासिफिकेशन थी, ये सब उन्होंने आपके एंशियंट टेक्स्ट को पढ़ के, स्क्रिप्चर्स को पढ़ के ही चीजों को मेंशन करा है. सो दिस वॉज अबाउट बुक व्यू, जिसमें आप ये सब लिख सकते हो, होता क्या है, पर्सन का नाम, सोशियोलॉजिस्ट का नाम, इंडोलॉजिस्ट के बारे में, प्रॉब्लम्स क्या है इसके साथ, या घुरे वॉज नॉट अगेंस्ट, नॉट क्रिटिसाइज द फील्ड व्यू, बट ही वॉज अ ग्रेट सपोर्टर ऑफ द बुक व्यू. सपोर्टर थे और उसी को फॉलो कर रहे थे. एम एन श्रीनिवास ने घुरे से ही अपनी चीजें सीखी हैं कि किस तरीके से आप जो सोशल प्रॉब्लम है उसके साथ चीजें आगे ले जा सकते हो. ठीक है, ये चीज रहेगी. घुरे ने भी कहीं कहीं कुछ जगहों पे फील्ड स्टडी की है. इट इज नॉट लाइक ही कंप्लीटली 100% बुक व्यू था, बट या बुक व्यू ज्यादा था, दैट इज द थिंग जो हमें याद रखनी है. एक घुरे का एक स्टडी थी, दैट इज द महादेव कोलीस, जो उन्होंने लिखी थी 1957 में. ये जो थी ये बेस्ड थी, इट इज बेस्ड ऑन फील्ड डाटा, ये फील्ड डेटा पे ही बेस्ड थी. कहां से? थ्री डिस्ट्रिक्ट थे महाराष्ट्र के, थ्री डिस्ट्रिक्ट ऑफ महाराष्ट्र, वहां की फील्ड स्टडी के बेस पे ये चीज थी. तो ये घुरे का वर्क था. तो हम देख रहे हैं कहीं ना कहीं फील्ड व्यू करा भी है इन्होंने, लेकिन इनका थोड़ा सा वो जो वर्क था वो माइक्रो लेवल पे चीजें थी. क्लियर? और मेजरली बुक व्यू पे फोकस था. नाउ व्हाट इज फील्ड वर्क? फील्ड वर्क की अगर हम बात करते हैं, अब आ जाते हैं फील्ड वर्क पे. अच्छा, अब किसी भी तरीके से आए, मैं आपको डिटेल में बस समझा रही हूं. यहाँ पे मेरा अल्टीमेट पर्पज इज टू मेक यू अंडरस्टैंड द थिंग. क्वेश्चन कैसा भी आए अभी हमें रेडी रहना चाहिए. हम कोई फर्स्ट क्लास के बच्चे नहीं है कि आपको बस ये दो लाइन मार्क करके दे दी. आपको अंडरस्टैंडिंग होनी चाहिए कैसे प्रोसीड करना है, क्या क्या पॉइंट्स आप डाल सकते हो अपने आंसर में. द अल्टीमेट पर्पज इज दैट आप एमए के स्टूडेंट हो, इतना भी जान लोगे तो आप लोग अच्छे से उन चीजों को प्रेजेंट कर पाओगे. अच्छा, नाउ व्हाट इज फील्ड वर्क? फील्ड वर्क इज समथिंग, फील्ड वर्क में हम देखेंगे कि ये रिलेट होता है, फील्ड वर्क जो है इट इज बेस्ड ऑन पार्टिसिपेंट ऑब्जर्वेशन. पार्टिसिपेंट ऑब्जर्वेशन, यू विल गो टू अ प्लेस, यू विल लिव देयर, आप उस पर्टिकुलर जगह पे जाओगे, आप वहां रहोगे, वहां के ट्रेड्स कल्चर को बहुत क्लोजली जानोगे एंड देन उसके बाद वट एवर यू विल फील आप उसको मेंशन करोगे. क्लियर? ये चीज होती है कि आप उस पर्टिकुलर जगह जाओगे, आप प्रैक्टिकल एक्सपीरियंस करोगे चीजों का, यू विल प्रैक्टिकली एक्सपीरियंसिंग द थिंग. आप प्रैक्टिकल एक्सपीरियंस करोगे, जिस भी पर्टिकुलर जगह लोगों से इंटरेक्ट करोगे. ठीक है, यहां पे अब क्या होता है, अब मैंने बताया था जैसे वो तो आर्म चेयर था जो आपका बुक व्यू था,
लेकिन जो आपका ये पर्टिकुलर जो फील्ड है, जो आपका हम बात करेंगे फील्ड व्यू का, ये आपको एक ब्रॉडर प्रस्पेक्टिव देता है, आपको एक ब्रॉडर एक एक्सप्लोजर एक्सपोजर देता है, सो दैट आप जाके चीजों को बेटर तरीके से पहचान सको. रियल वर्ल्ड सिनेरियो, नॉट आर्म चेयर. यहाँ पे यू कैन यूज द वर्ड रियल वर्ल्ड. आप रियल वर्ल्ड में जाके चीजों को देखते हो और उसको बेटर तरीके से पहचानते हो. यहाँ पे आप पुराने टेक्स्ट के थ्रू नहीं देखते हो. अब यहाँ पे पार्टिसिपेट ऑब्जर्वेशन का मतलब तो मैंने आपको बता दिया कि आप पार्टिसिपेट कर रहे हो उस पर्टिकुलर अपनी ऑब्जर्वेशन में. वट यू कैन यूज, आप वहां पार्टिसिपेट ऑब्जर्वेशन तो यूज कर ही रहे हो कि आप बैठे हो और आप चीजों को ऑब्जर्व कर रहे हो, जिस भी चीजों को आपको जानना है. इसके बारे में देखो मेलिनोस्की वगैरह की भी स्टडी है, जीएच मीड की भी स्टडी है, ठीक है, इवांस रिचर्ड की स्टडी है, जिन्होंने पार्टिसिपेंट ऑब्जर्वेशन जो था वो यूज करा था. आई एम टॉकिंग अबाउट द इंडियन, ये इंडियन सोशियोलॉजिस्ट के नाम नहीं है ना, तो ये बाहर के लोगों ने भी इन चीजों को यूज करा है. बिकॉज इंडिया में तो काफी बाद में सोशियोलॉजी आई है, फ्रेंच रिवोल्यूशन के थ्रू बाहर पहले आ चुकी थी. फ्रेंच के सोशियोलॉजिस्ट, जर्मन के सोशियोलॉजिस्ट, अमेरिकन सोशियोलॉजिस्ट, इन सब कि ये बहुत सारी थ्योरीज हैं जिसे आप पढ़ते हो, ठीक है. अब इसमें जो नाम आता है वो किसका आता है, एम एन श्रीनिवास. ऑल्दो ही वाज ट्रेन्ड फ्रॉम द घुरे, घुरे के वर्क से काफी इंस्पायर थे ये. प्लस एम एन श्रीनिवास की मैं बात करूं तो एम एन श्रीनिवास जो है वो 90 मतलब जीएस घुरे के बाद इन्होंने संभाली थी आपकी यूनिवर्सिटी का डिपार्टमेंट, बॉम्बे यूनिवर्सिटी का. ऑक्सफोर्ड से पढ़ के आए थे. प्लस इनके बारे में मैंने एक वीडियो भी बनाई है, चल ही रही है अभी, सोशियोलॉजी ऑप्शनल पेपर 2 नाम से मैं वीडियोस डाल रही हूँ. सो यू गाइज कैन वॉच दैट ऑल्सो. देखो एमए के लिए भी बेनिफिशियल है वो, ऐसा नहीं है वो टॉपिक सिर्फ सोशियोलॉजी ऑप्शनल लिख दिया तो उसी के लिए है. बट हाँ, उसके सीक्वेंस में चल रही हूँ मैं, उसके सिलेबस के अकॉर्डिंग चल रही हूँ, तो दैट्स वाई हेडिंग वो मेंशन है. बट या यू कैन कवर दैट ऑल्सो. तो इन्होंने भी डिफरेंट डिफरेंट तरीके से फील्ड व्यू की स्टडी करी थी. कुर्ग सोसाइटी की स्टडी करी, रामपुरा विलेज पे स्टडी करी इन्होंने, यहाँ के लोगों की स्टडी करी और यहाँ के जो अपनी ऑब्जर्वेशन थी वो इन्होंने फ्रेम करी. किसने, श्रीनिवास ने. ये इनके मेजर फील्ड वर्क है. वहां की पढ़ेंगे क्या, देखो सोशियोलॉजिस्ट है तो वहां की सोसाइटी के बारे में ही तो पढ़ेंगे. अब ये फील्ड व्यू पूछा गया है तो आप यू कैन यूज द, मतलब अगर क्वेश्चन में नहीं भी दिया एम एन श्रीनिवास तो यू हैव टू यूज द नेम ऑफ एम एन श्रीनिवास की ही स्टार्टेड द कंसेप्ट ऑफ फील्ड व्यू इन इंडिया. इन्होंने बहुत मेजर कॉन्ट्रीब्यूट किया है इंडिया में फील्ड व्यू के कंसेप्ट में, क्योंकि इनिशियल यही तो थे. देखो जीएस घुरे एंड देन फिर आपके आ गए हैं एम एन श्रीनिवास, तो इनिशियल सोशियोलॉजिस्ट में तो इन्हीं का नाम जाता है. और आप देख रहे हो हमारे लिए तो कितना नया सब्जेक्ट है, 1919 में ऑफिशियली चीजें होनी स्टार्ट हुई फ्रॉम जीएस घुरे, तो हमारे लिए तो काफी नया ये एक तरीके से सब्जेक्ट है, राइट. हमारे लिए उतना पुराना सब्जेक्ट नहीं है, तो धीरे धीरे काफी सोशियोलॉजिस्ट हैं हमारे पास जो अभी भी चीजों पे काम कर रहे हैं. यस, तो एम एन श्रीनिवास ने इन चीजों पे काम करी है, ये चीज आप लिख सकते हो. इनका एक और कंसेप्ट जो इन्होंने मेंशन करा है वहां के बेसिस पे स्टडी करके, दैट इज डोमिनेंट कास्ट. इन्होंने अपनी जो स्टडी करी, जो इन्होंने फील्ड व्यू यूज करा, उसके बेसिस पे इन्होंने डोमिनेंट कास्ट एंड संस्कृताइजेशन का कंसेप्ट, वेस्टर्नाइजेशन का कंसेप्ट, ये सब यूज करा. एंड गाइज, इफ यू वॉन्ट टू स्टडी दिस इन डिटेल तो प्लीज वो वीडियो आप देख लेना, बिकॉज एक एक टॉपिक डिटेल्ड है ये चीजों पे. सो इट इज नॉट लाइक दैट कि एक बार में खत्म हो जाएगा, तो प्लीज कवर इट फ्रॉम द वीडियो दैट इज देयर. रिसेंट वीडियोज में आपको मिल जाएंगी तो आप वहां से देख सकते हो. क्लियर? सो आई होप बुक व्यू, फील्ड व्यू आप लोगों को समझ में आ गया होगा. हाउ टू प्रोसीड विद दिस, अगर क्वेश्चन आता है तो हम कैसे क्या कर सकते हैं. आई थिंक मैंने वैसे वीडियो बनाई भी होगी इस पे, आप प्लेलिस्ट देखेंगे एमएसओ 4 की तो यू विल बी एबल टू फाइंड दैट. अब मीनिंग आ सकता है डायरेक्टली, डिफरेंस आ सकता है डायरेक्टली. डिफरेंस में पहले थोड़ा सा मीनिंग बताओ, सोशियोलॉजिस्ट का नेम यूज करके टेबल बना दो अच्छा पहले, ताकि पता चल जाए कि हाँ बच्चे को डिफरेंस पता है. 5-7 जो भी पॉइंट बन रहे बनाओ, फिर टेबल के बाद नीचे और लिखना स्टार्ट कर दो जिसमें आप सोशियोलॉजिस्ट के नेम भी यूज करोगे. सोशियोलॉजिस्ट के नेम के थ्रू भी आ सकती हैं चीजें कि एक्सप्लेन द कंसेप्ट ऑफ बुक व्यू एंड फील्ड व्यू कीपिंग इन माइंड द फेमस सोशियोलॉजिस्ट फ्रॉम इंडिया, ये आ गया. या फिर एक्सप्लेन या डिफरेंशिएट द कंसेप्ट ऑफ बुक व्यू ऑफ जीएस घुरे विद द फील्ड व्यू ऑफ एम एन श्रीनिवास, ठीक है. इन दोनों की चीजों पे आपको डिफरेंशिएट करना है, तो सीधा सीधा नाम भी आ गया. क्वेश्चन कैन कम इन ईदर वे, क्वेश्चन किसी भी तरीके से आ सकता है. वी हैव टू बी प्रिपेयर्ड इनफ टू आंसर द थिंग्स. क्लियर? सो आई होप ये चीजें समझ में आई होंगी. दिस इज द टॉपिक दैट वी हैव कवर्ड ऑफ एमएसओ 4, इग्नू एमए सोशियोलॉजी. इग्नू एमए सोशियोलॉजी के फर्स्ट ईयर का ये सब्जेक्ट है. सब्जेक्ट का नेम है सोशियोलॉजी इन इंडिया. ये टॉपिक है जो हमने कवर करा है. सो अगर समझ में आया हो, यहां तक पहुंचे हो, तो कुछ समझ में आ ही रहा होगा तभी यहां तक पहुंचे हो. एंड आपका बहुत बहुत थैंक यू वीडियो को यहां तक देखने के लिए, चैनल को प्यार देने के लिए. बहुत सारी चीजें आई नो चैनल पे नहीं अभी है, बट या आई एम ट्राइंग माई बेस्ट कि मैं चीजें अच्छे से ला सकूं और ज्यादा चीजें ला सकूं, चैनल पे वर्क कर सके, चैनल को ग्रो कर सके.
So yeah, if you want me to continue this series, then please mention it in the comment box. Like the videos and comment करके बताइए कि continue रखना है या नहीं रखना है, whatsoever you feel. Beneficial है या नहीं है. Your comment, your feedback means a lot. अगर वो positive रहता है जिस भी particular चीज में. My work is to do experiment कि किस तरीके से बच्चों को betterly समझ में आ रहा है, better way में समझ में आ रहा है. Betterly is not the word. तो या अगर आपको समझ में आएगा तो वो चीज कंटिन्यू रखी जाएगी, जो नहीं आएगा वो एक दो बनाने के बाद आई डिसकंटिन्यू दैट. ओके, कि इट्स बेटर टू डू एफर्ट इन अ राइट डायरेक्शन सो दैट बेनिफिट मिले. सो दैट्स ऑल फॉर दिस वीडियो. थैंक यू फॉर वॉचिंग.